नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। गाइस, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के थर्ड टॉपिक। इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है, केयर करिएगा अच्छे से। टॉपिक है आपका क्या, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई आवेशित चालक का एक आपका रैड है जिसके ठीक बाहर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करना है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। ओके दोस्तों, चलिएगा इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ आने पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक की तरफ देखते हैं। देखिए, आपके पास एक अचालक का कोई क्या है, सॉरी, कोई चालक का रॉड है। चालक कहने का मतलब जिसमें करंट का फ्लो इजिली से होता है, उसे हम आप कहते हैं क्या, कंडक्टर। कोई आपके पास चालक का रॉड है, चालक के रॉड पे आपके पास दो प्लेट है, एक तो फर्स्ट और दूसरा क्या है, सेकेंड। उस आवेशित चालक के अगल बगल में आवेश का पृष्ठ घनत्व रखा है। जिस आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू कितना होता है गाइस, जानते हैं, क्यू अपान ए। अगर मान लीजिए किसी एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होता है उसके अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम आप लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, पता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ आवेशित चालक के ठीक बाहर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं। आप इस आवेशित चालक के ठीक अगल बगल देख रहे हैं, आपके पास चार्ज है, प्लस चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, और इस आवेशित चालक के भीतर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है, तब क्या हो जाएगा गाइस, जानते हैं, हम जानते हैं क्या, अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन मैंने सेकेंड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में डिराइव करवाया था। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अगर इतनी टॉपिक हम जानते हैं तब क्या हो जाएगा, बिंदु पी पर चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर चादर एक के कारण, चादर अगर एक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, चादर दो होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 होगी, तो क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्साइलन 0। ओके दोस्तों, और यह कहां होगा, चादर एक से दूर होगा, कहां होगा, चादर एक से दूर होगा। ओके दोस्तों, ये टॉपिक क्लियर करिएगा, ये चादर एक से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, नजदीक। अगर इस एरिया में होता, इस डायरेक्शन में होता तो चादर एक से नजदीक होता, अगर इस डायरेक्शन में है तो चादर एक से क्या है, दूर है। पुनः हमने क्या लिखा, बिंदु पी पर चादर दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, 2 एप्साइलन 0। इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, या क्या होगा गाइस, यह भी चादर चादर दो से क्या होगा, चादर दो से दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चादर दो से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब क्या मैंने बताया, चूंकि जो E1 व E2 है एक ही दिशा में आपको दिख रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर E1 व E2 कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है अगर एक ही डायरेक्शन में है तो बिंदु P पर दोनों चादरों के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 व E2। देखिए, यहाँ सबसे पहले वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E2 होगा। ओके दोस्तों, अतः परिणामी क्या हो जाएगा, अतः E पर परिणामी हो जाएगा आपका, E पर वेक्टर E पर परिणामी कितना हो जाएगा, जानते हैं गाइस, E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, थर्ड बना लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी टॉपिक आप नोट कर लिया हो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा करिए। जब भी मेरे वीडियो को आप देखा करिए, आप लोग अपने हाथ में कॉपी व पेन लेकर बैठ जाया करिए, उसके बाद सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करिए, तभी टॉपिक क्लियर हो पाएगी। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, आइए टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम अगर इसको इरेज कर देते हैं गाइस, इरेज करने के बाद क्या मिलेगा जानते हैं, यहाँ लिख लेंगे समीकरण, समीकरण एक व दो का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ओके दोस्तों, यहां से अगर इतना हो जाएगा तो E इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहां सिग्मा प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ओके दोस्तों, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कैंसिल, E इक्वल टू सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। यह क्या है गाइस, जानते हैं आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां E क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिग्मा क्या है गाइस जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन 0 क्या है निर्वात में वैद्युतशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10−12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगा इसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के चौथे टॉपिक को लेकर मिलूंगा। इसी के साथ आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।